वेलकम टू दी माय न्यू व्लॉग फ्रेंड। जैसे कि हम न्यू व्लॉग के लिए आ चुके, जैसा कि हम जानते हैं, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना, और जितना हो सके मेरे चैनल को, जे व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ। फ्रेंड आज न्यू अपडेट के लिए आ चुके हैं आपकी खिदमत में। फ्रेंड आज हम आपको बताते चलें एशिया कप 2023 का जो बिग मैच कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा, उस मैच का बेसब्री से सबको इंतज़ार है। कुछ ही पल, कुछ ही घंटों का बस वक्त रह गया है मैच के लिए। वो मैच बहुत सनसनीखेज होगा, बहुत बहुत जुनून और जज्बे के साथ खेला जाएगा। सबको दिल का दौरा पड़ेगा, कल को किसी को दिल का दौरा पड़ेगा, किसी को क्या कमज़ोर दिल के मरीज तो ना देखे उस मैच को। आप सबको पता है जिस हिसाब से वो मैच होते हैं, एक एक बॉल पर सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, छक्का लगेगा या विकेट जाएगी या क्या होगा। हारिस रऊफ आज विराट कोहली के साथ मुलाकात की, बहुत मुस्कुराए, आपस में कुछ बातें वगैरह की। हारिस रऊफ से पूछ रहे थे विराट कोहली, तो पूछ रहे थे कैसे आपके फिटनेस वगैरह, किस हिसाब से आप लगे पड़े हो, फिटवाट हो या वो हिसाब से, आप इसमें हंसी मजाक की बहुत। और रोहित शर्मा और बाबर आजम की भी मुलाकात हुई, आपस में कुछ बातें वगैरह की अपने क्रिकेट के बारे में, फिर किस हिसाब की बैटिंग, किस हिसाब से परफॉर्मेंस, ये सारी बातें उन्होंने आपस में शेयर किया एक दूसरे से। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे आपस में, बहुत हंसी मजाक, बहुत मिलजुल के रहते हैं। ये है होती है क्रिकेट, क्रिकेट कमाल की क्रिकेट, तो इस हिसाब से खेलते हैं दोनों टीमें। माशाल्लाह खूबसूरत टीमें हैं, बहुत अच्छी बैटिंग दोनों साइड से, बॉलिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस। और रोहित शर्मा से इंटरव्यू में पूछा गया तो आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से है, बोले हमारे पास हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी, नसीम शाह जैसे बॉलर तो नहीं है, पर हमारे पास जिस हिसाब के बॉलर हैं, हमने उनकी प्रैक्टिस तो की है। इस हिसाब से वो अपनी तार बातें कर रहे थे कुछ, पर कल को कुछ बारिश का भी बोला तो गया है, इंशाल्लाह बारिश का सिलसिला आज तो कल के मैच में थोड़ा धूप वूप निकली हुई थी श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में, और आज भी सुनाई दे रहा है तो थोड़ी धूप वूप थी, तो कल भी इंशाल्लाह दुआ करें तो धूप निकल आए और मैच अच्छा देखने को, सबको फ्रेंडों को मैच देखने को अच्छा मिले, बहुत अच्छा मैच देखने को सबको मिले। और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना, कुछ ही पल का इंतज़ार है और मैच शुरू होगा, दिल धक धक सब के करेंगे, एक एक बॉल पर, एक एक रन्स पर, एक एक छक्के पर, जब बॉल हवाओं में जाएगी सबके दिल धक धक, कैच आउट नहीं हो जाए, सबके फैनों को इंतज़ार है, इंडिया के, पाकिस्तान के, पूरे वर्ल्ड को इंतज़ार रहेगा इस मैच का। बहुत सनसनीखेज मैच है ये, सबको इंतज़ार रहेगा इस मैच का। और जिस हिसाब से टीम सिलेक्शन टीम की अनाउंसमेंट कर दी है, जोन सीजन से टीम 11 की अनाउंसमेंट हो गई है, जोन सीजन से खिलाड़ी कल को खेलेंगे वो आपको पता चल जाएगा सारों को। बहुत अच्छे अच्छे टीम 11 बनाई है, बहुत अच्छी, क्योंकि दोनों साइड रफ मैच है, बहुत रफ मैच है कल का, बहुत अच्छा मैच होने को जा रहा है कल को, देखना ना भूलना और शेयर करना भी ना भूलना एजे विलॉग्स यूट्यूब चैनल को। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना पाकिस्तान सिंध।